हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर ज्योग्राफी सेक्शन, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब आप अपने चारों तरफ देखते होंगे तो आपको कई प्रकार के जानवर दिखते होंगे या कई अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे दिखते होंगे। ओके, उनमें काफ़ी सारा वेरिएशन है। ऐसा नहीं कि आपको एक जगह एक ही टाइप के पौधे सारे मिले। ओके, तो ये क्या कहलाता है कि चीज़ें जो हैं, स्पीसीज जो हैं, वो अलग अलग हैं सारी, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया जो है 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आती है। ठीक है, 12 नंबर की है ये, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी भी समझ सकते हैं कि जैव विविधता हिंदी में बोलते हैं, कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, और अगर एशिया में बात करें तो हम 4th नंबर पर हैं इस चीज़ में। ओके, अब इंडिया में 47,000 टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि 47,000 स्पीसीज जो हैं प्लांट की, वो इंडिया में पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर आते हैं, तो वो 15,000 हैं। ओके, जो कि 6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड्स फ्लावरिंग प्लांट है। अब कई सारे नॉन फ्लावरिंग पॉइंट भी प्लांट्स भी इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि फर्न, एल्गे, फंगी एसेट्रा। ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो 90,000 स्पीसीज पाए जाते हैं, मतलब कि 90,000 टाइप के अलग अलग जीव जंतु जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी रिच हैं। ओके, साथ में फिश भी, अगर मरीन वाटर की बात करें तो फिशेज भी जो हैं वो भी काफ़ी टाइप की हमारे यहाँ पाई जाती हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन कहलाता क्या है, सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे जो कि ह्यूमन प्लांट नहीं करते, अपने आप उगाते हैं। ओके, मतलब कि जो ह्यूमन प्लांट नहीं करते, आपने पेड़ नहीं लगाया, ये अपने आप उगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, नेचुरल वेजिटेशन। इसको वर्जिन वेजिटेशन भी हम बोलते हैं। अब जो प्लांट की अलग अलग स्पीसीज हैं पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पीरियड में, उसे हम फ्लोरा बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना, जो प्लांट्स की अलग अलग स्पीसीज हैं एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। और जो पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग एनिमल की स्पीसीज हैं, है ना, एनिमल अलग अलग प्रकार की जो पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फौना। तो फ्लोरा और फौना दो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। फ्लोरा का मतलब अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फौना। अब हम बात करेंगे रिलीफ की। तो इसमें दो फैक्टर आते हैं, लैंड एंड सॉयल। अब लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन एरियाज, या फिर जो ड्राई एरिया है या वेट रीजन है, वहाँ एक सेम टाइप का वेजिटेशन मिलता है, सेम टाइप के प्लांट और ट्री मिलते हैं? नहीं, अलग अलग टाइप के मिलते हैं। ओके, तो अब फर्टाइल लेवल है वो भी मतलब डिपेंड करता है। जैसे कि फर्टाइल लेवल जहाँ पे ज़्यादा है, फर्टिलिटी ज़्यादा है, वहाँ तो एग्रीकल्चर होता है कि मैन मेड हम क्रॉप वगैरह उगाते हैं। ओके, अब बाकी जो बचता है हमारा अनफर्टाइल एरिया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो ग्रासलैंड हो जाता है या वुडलैंड आ जाता है, और वो ही फिर हमारी जो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसको शेल्टर देता है। ओके, उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है सॉइल। अब सॉइल भी आपको पता है कि एरिया टू एरिया अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। जैसे हम बात करें डेजर्ट की, जैसे राजस्थान वगैरह गर्म जो देश होते हैं, वहाँ सैंडी सॉइल पाई जाती है। तो वहाँ पे कौन से पौधे होते हैं, कैक्टस और थॉर्नी बुशेस वगैरह। ओके, जबकि अगर वेट सॉइल की बात करें जहाँ पे गीली मिट्टी पाई जाती है, तो मार्शी और डेल्टाइक सॉइल जैसी बात करें तो वहाँ पे मंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हिल स्लोप्स की बात करें, जो अपना माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे आप देखेंगे कॉनिकल ट्री पाए जाते हैं। क्रिसमस ट्री होता है जैसे कॉर्न शेप में, वैसे कॉनिकल ट्री पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ओके, टेम्परेचर में अब आप बात करेंगे कि जैसे एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, परसिपेशन क्या है, सॉइल क्या है, ठीक है, ये सब टेम्परेचर की वजह से ही होती हैं ये सारी चीज़ें। और टेम्परेचर ही जो है वो भी वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट डालता है। जैसे अपन बात करें
हिली एरियाज की, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो जो कॉनिकल ट्रीज हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि साउथ रीजन की, तो वहाँ पे हॉटनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स वहीं पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद हमारा एक फैक्टर आता है फोटो पीरियड, मीन्स सनलाइट। अब आपको पता ही होगा कि जहाँ सनलाइट होती है, ठीक है, वहाँ जो ट्रीज़ हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आ रही है वहाँ ट्रीज जल्दी ग्रो करेंगे। जैसे आप देखोगे कि जो सदर्न स्लोप है हिमालय का, वहाँ प्रॉपर सनलाइट मिलती है, तो वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी थिक हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स वगैरह हैं। लेकिन अगर बात करें हम नॉर्दर्न स्लोप की, ठीक है, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर सनलाइट जो है वो नहीं पहुँच पाती। ओके, उसके बाद प्रेसिपिटेशन की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जहाँ रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे साउथ वेस्ट में एडवांस में मानसून आ जाता है जून से सितंबर, तो ये वहाँ पे काफ़ी थिक फॉरेस्ट है। जहाँ लेस रेनफॉल होती है, जैसे राजस्थान वगैरह, वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी कम है, काफ़ी जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी कम है। ओके, तो इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वेजिटेशन के लिए। अगर फॉरेस्ट जहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी उनको फैमिलियर मिलता है तो फॉरेस्ट जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन जहाँ पर एनवायरनमेंट उनके हिसाब से नहीं होता है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डाउन होती हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है आपको पता ही होगा कि हमारा जो जितना भी बैलेंस है हमारी अर्थ पे, कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, इनके बीच में एक जो बैलेंस है, ओके, कि प्रॉपर एक क्वांटिटी में सभी यहाँ पर मौजूद है, उसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम में हर चीज़ ज़रूरी है। जो हमारा सी है वहाँ पे फिशेस ज़रूरी हैं, ओके, जो हमारी लैंड है वहाँ पे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स ज़रूरी हैं, ओके, सभी और इक्वल बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये बैलेंस खत्म होगा तो चीज़ें भी जो है वो बिगड़ती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि अभी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपना अपना फ़ायदा देखने के लिए जो ट्रीज़ हैं उनको लगातार कट करते जा रहे हैं, और ट्रीज़ कट हो रहे हैं तो वहाँ से फिर एनिमल्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, एनिमल्स भी जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। हमें एक लार्ज इकोसिस्टम चाहिए। लार्ज इकोसिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा रहेंगे, एनिमल उन पर डिपेंड रहते हैं, तो एनिमल्स भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ओके, लेकिन हो क्या रहा है कि ट्रीज ऑलरेडी कट हो रहे हैं, एनिमल्स को मारा जा रहा है, जिससे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो पूरी तरह ख़त्म हो रहा है, और कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो अब ख़त्म होने की कगार पे हैं, है ना, वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो कितने टाइप की वेजिटेशन जो है हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, तो हमारी कंट्री में फाइव मेजर टाइप्स हैं वेजिटेशन के। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, फिफ्थ है माउंटेन फॉरेस्ट, और फिफ्थ है मंग्रोव फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट की बात करें, या आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात करें, या अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है, और ट्रीज़ की जो हाइट रहती है वो 60 मीटर्स और अबव रहती है। ओके, मतलब कि 60 मीटर से ऊँचे ही पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो रीजन रहते हैं वो वार्म और वेट दोनों इनको क्लाइमेट मिलते हैं, ठीक है, जैसे बरसात होती है जब 4 से 5 महीने, तो ये यहाँ पे वेट सीज़न रहता है, लेकिन जब समर सीज़न में सनलाइट इनको प्रॉपर मिलती है तो जो क्लाइमेट है वो वार्म भी रहता है। अब यहाँ पे ट्रीज़ की बात करें, श्रब्स की बात करें, क्रीपर्स की बात करें, या फिर किसी चीज़ की बात करें, तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें पाया जाता है। ओके, अब जो इन फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल पाए जाते हैं वो होते हैं एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर एंड डियर। ओके, और जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, जैसे कि हम बात करें कि एक सींग वाला जो वो गैंडा हाथी होता है, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस, वो भी इन जंगल में पाया जाता है, मोस्टली असम और वेस्ट बंगाल की जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर पाया जाता है।
ओके, इन एनिमल्स के अलावा प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियन और स्नेल्स भी इन जंगल्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की। यहाँ पे ये भी मॉनसून फॉरेस्ट कहलाते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ओके, और इन फॉरेस्ट की खास बात ये है कि यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो ड्राई समर में 6 to 8 weeks में अपनी जो पत्तियाँ हैं वो झड़ा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना पतझड़ आता है, तो वही चीज़ है कि हमारा जो एरिया है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अभी फरवरी मार्च का सीज़न लगेगा तो पेड़ों से पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का ही टाइप है। अब मॉइस्चर के बेसिस पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मॉइस्ट डिसीडियस और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ओके, तो अब जो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है उसमें जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये जनरली ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपन बात करें, हिमालयस के फुटहिल्स की, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं वो बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी एसेट्रा कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। और जो टीक है यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्री है, डोमिनेंट जो स्पीसीज है ट्रीज की वो टीक है। ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ 17 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। या इसमें हम बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो आ जाता है। इसमें भी जो ट्रीज पाए जाते हैं उनमें टीक, साल, पीपल और नीम पाए जाते हैं। ओके, अब जो हमारा लार्ज पार्ट जो रीजन है इसका वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाने लगा है, मतलब कि वहाँ पे खेती होने लगी है और जो ट्रीज़ वगैरह हैं उनको हटा दिया गया है। ओके, जो कॉमन एनिमल्स हैं यहाँ पाए जाते हैं वो हैं लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट और ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइसिस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब की। तो ये ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ओके, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इनके वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। यहाँ के जो मेन ट्रीज हैं वो है एकिकस, पाम्स, यूफोरबियास एंड कैक्टस। अब जो ट्रीज हैं इनकी लॉन्ग रूट होती है क्योंकि ये सॉयल में अंदर तक जाके मॉइस्चर खींचते हैं और इनकी जो लीव है वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं ताकि एवोपरेशन जो है वो ईजिली हो जाए। अब इन फॉरेस्ट को हम थॉर्न फॉरेस्ट इसलिए भी बोलते हैं या फिर स्क्रब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। इन फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल पाए जाते हैं वो हैं रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस और कैमल्स। ओके, अब हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट की। तो जो माउंटेनियस एरिया है हमारे कंट्री का वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जनरली अगर हम बात करें कि हाइट ऑफ 1000 टू 2000 मीटर्स की हाइट पे जो मतलब एरिया है हमारा वहाँ पे ब्रॉड लीफ ट्रीज जैसे ओक, चेस्टनट्स प्रेडोमिनेट पाए जाते हैं। ओके, बिटवीन 1500 टू 3000 मीटर्स की हाइट पे जो फॉरेस्ट है उसमें कॉनिफेरस ट्री लाइक पान, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस और केदार पाए जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट हैं जनरली सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयस पे पाए जाते हैं। ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड जो एरिया है हमारा सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वहाँ पाए जाते हैं। हायर एलिवेशन के कारण जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो वहाँ पे कॉमन है। ओके, अगर हम बात करें मोर देन 3600 मीटर्स अबव के ऑफ सी लेवल की तो यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड पाए जाते हैं जिसमें अल्पाइन वेजिटेशन होता है जैसे कि सिल्वर फेल, जूनिपर्स, पाइन्स, बिर्चेस यहाँ के कॉमन ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट में। ओके, अब कई काफ़ी सारी यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती हैं जिनको हम बोलते हैं कि शेड्यूल टेरिटरीज। तो यहाँ पे गुज्जर्स और बकरवाल ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये कौन सी टेरिटरी होती है जो चरवाहे होते हैं, भेड़ों को पालते हैं और यहाँ वहाँ उनको घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो शेड्यूल टेरिटरी है ये इन्हीं रीजन में पाई जाती है।
अब कॉमन एनिमल यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वेरल्स, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पंडा, शीप, गोट्स विद थिक हेयर। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं आप जानते ही होंगे कि जनरली जो हमारा हिली एरियाज है वहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये फॉरेस्ट भी हमारा वहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट की। तो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो है वो टाइड्स की वजह से आता है। आपने टाइड्स आप समझते ही होंगे, सी लेवल जब बढ़ता है और घटता है उसको टाइड्स बोलते हैं, है ना। तो उसकी वजह से ये फॉर्म होता है। मड और जो सिल्ट है उसकी वजह से कोस्ट में जो वेट वेट क्लाइमेट बन जाता है उसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट है वो प्लेस लेते हैं। ओके, अब इनकी जो रूट्स रहती हैं ये अंडर वाटर रहती हैं। ओके, ये जनरली डेल्टास ऑफ गंगा और महानदी और जो हमारी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो नदियाँ हैं इन्हीं रीजन में ये वेजिटेशन पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है जो कि ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर हमारे फर्नीचर के लिए प्रोवाइड करता है। पाम, कोकोनट, क्योरा, आगर एसेट्रा भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की। तो फौना, फौना आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ओके, तो अपने इंडिया में 90,000 एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं और 2,000 बर्ड्स की स्पीसीज जो है इंडिया में पाई जाती है, जो कि वर्ल्ड्स की टोटल स्पीसीज का 13% है। ओके, अब फिश की बात करें तो 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश इंडिया में पाई जाती हैं, जो कि वर्ल्ड की टोटल स्पीसीज का 12% है। अब 5 to 8% जो टोटल एम्फीबियंस है या फिर रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं वर्ल्ड के, वो भी इंडिया में पाए जाते हैं। एनिमल्स आपको पता होगा मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल है अमंग द मैमल्स, ये हमारे असम, कर्नाटक और केरला के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा हाथी जो है, वो स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अगर हम बात करें एरिड एरियाज़ की, जैसे कि रन ऑफ कच्छ या थार डेजर्ट, तो यहाँ पे वाइल्ड एस और कैमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इंडियन बायसन, नील गाय, चौसिंगा, गैजल और अदर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर, मतलब जो हिरण है उनके ये सब प्रकार हैं। इंडियन बायसन, नील गाय, चौसिंगा, गैजल, ये सब भी इंडिया में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं साथ में, नहीं तो हर एक कंट्री में दोनों नहीं होते। ओके, तो जैसे अपन बात करें गुजरात की गिर फॉरेस्ट की, तो वहाँ इंडियन लायन के लिए नेचुरल हैबिटेट है, और अगर टाइगर की बात करें तो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में या वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में, यहाँ पर भी जो इंडियन टाइगर है वो पाया जाता है। लेपर्ड भी कैट फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, ये भी हमारे इंडिया में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें हिमालय की, तो यहाँ भी हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे अपन बात करें शैगी हॉर्न, वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतियन एंटेलोप और भराल जिसको ब्लू शीप बोलते हैं, वाइल्ड शीप, क्यांग, ये भी इंडिया में पाए जाते हैं। रेयर रेड पांडा भी इंडिया में जो हिमालय रेंज है वहाँ पर पाया जाता है। और अगर जैसे रिवर, लेक्स, कोस्टल एरियाज़ की बात करें, तो यहाँ पे टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल भी आपको मिलेंगे। अब अगर बर्ड्स की बात करें तो पीकॉक, फीसेंट, डक्स, पैराकीट्स, क्रेंस, पीजन्स और सम ऑफ द बर्ड्स इनहेबिटेंट जो है इंडिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इकोलॉजिकल बैलेंस की, तो आजकल हम जो एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप लैंड बढ़ाते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जितने भी टाइप्स स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं उन पर। अब 1,300 प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जो खतरे में हैं और जिनमें से 20 स्पीसीज तो विलुप्त हो ही चुकी हैं, और ऐसे ही कुछ एनिमल्स स्पीसीज भी हैं जो खतरे में हैं या फिर कुछ उनमें से विलुप्त हो चुकी हैं।
तो इसका मेजर कॉज क्या है कि हम अपने लालच के लिए जानवरों को मार रहे हैं, या फिर जो हमारे प्लांट्स हैं उनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन भी एक कारण है कि लगातार केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ है या नेचुरल हमारा वेजिटेशन है वो खतरे में आ रहा है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप भी उठाए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या उठाया है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो कंट्री में सेटअप किए गए हैं। किसके लिए, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। इनमें से जो 10 हैं वो हैं सुंदरबन, नंदा देवी, गुल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी और अचनकमर, अमरकंटक में है जो कि अचनकमर, ये सब हमारे मुख्य 10 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनसे फ्लोरा और फौना को हम प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद सेकंड स्टेप जो लिया गया है कि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो बॉटनिकल गार्डन्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। ओके, ये 1992 से चल रहा है, जैसे कि इनमें शामिल हैं कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शीशाचलम और पन्ना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ में 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जूलॉजिकल गार्डन भी जो हैं वो नेचुरल हेरिटेज की तरह उनका टेक केयर किया जा रहा है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो कि हमारे फ्लोरा और फौना की स्पीसीज जो हैं उनको बचाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको कुछ मैप भी दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपका ये मैप दिया हुआ है इंडियन नेचुरल वेजिटेशन का, तो ये आप देख लीजिए कि किस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो आपको ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न कोट का एरिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में स्पॉट है। साथ में आप देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर भी आपको जो डार्क ग्रीन कलर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। उसके बाद जो लाइट ग्रीन में है वो आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है, ये लगभग हमारा लार्ज एरिया कवर किए हुए हैं इंडिया का, है ना, जिसमें MP, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब कवर हो रहा है, तमिलनाडु। ओके, उसके बाद आप डार्क येलो कलर में देख रहे होंगे तो ये माउंटेन फॉरेस्ट हैं जो कि हमारे हिली एरियाज में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, है ना, यहाँ पे हमारा कौन सा फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट। उसके बाद आप जो हल्दी कलर टाइप है, ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देख सकते हैं ये केवल सुंदरबन डेल्टा जो है ना, या फिर हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पे बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही कम एरिया में ये फॉरेस्ट हैं। उसके बाद आप देखेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है यहाँ पे मतलब जनरली बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का आ रहा है और राजस्थान वाला एरिया पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे जनरली डेजर्ट पाया जाता है। ओके, सेकंड मैप आप देख रहे होंगे इंडिया सम वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स का, तो कहाँ कहाँ हमारे ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रेड डॉट है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 535 है, लेकिन कुछ इनमें से यहाँ पर दिखाई गई हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हैं टॉप से अगर देखें तो सरिस्का, महानदी, चंद्रप्रभा, कवल, पोचरम, चंडाका और अपना मधुमलाई, पेरियार, ये सब हमारी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये आपको ब्लू कलर के स्टार से शो हो रही हैं, जैसे रंगनाथिटू, वैंतनथंगल, उसके बाद और भी हैं जो साउथ में ही ज़्यादा हैं। ओके, उसके बाद आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं ब्लू कलर का, वायलेट कलर का, वो हमारे नेशनल पार्क शो कर रहा है। जैसे अपन देखें जम्मू एंड कश्मीर में दाचीगाम है, राजा जी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दुधवा है, अपने MP की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क है, शिवपुरी नेशनल पार्क है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है वायलेट कलर का, ये हमारा नेशनल पार्क शो कर रहा है।